नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सोलो लेवलिंग के पावर सिस्टम के बारे में बात करने वाला हूं। और इस वीडियो में सोलो लेवलिंग से रिलेटेड बहुत सारे स्पॉइलर भी होने वाले हैं, तो ध्यान से आगे बढ़ना। तो जिसने भी सोलो लेवलिंग देखी होगी उसको पता ही होगा कि सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में जब 10 साल पहले पोर्टल्स आने शुरू हुए थे तब उसके डंजन से कुछ अजीब से मॉन्स्टर आने भी शुरू हो गए थे। और जब ये सब हो रहा था तभी कुछ नॉर्मल ह्यूमंस को कुछ पावर्स मिली, जिसे सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में अवेकनिंग कहा गया है। अब इस अवेकनिंग से मिली पावर कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आप एक हीलर बन सकते हो, या कोई मैजिक कास्ट करने वाले बन सकते हो, या फिर आप एनिमल की पावर पजेस कर सकते हो। मतलब आपके पास कोई सी भी हो सकती है। अब इस अवेकनिंग के बाद वो कोई नॉर्मल ह्यूमंस नहीं रह जाते, अब वो बन जाते हैं हंटर्स। हालांकि ये ध्यान दिया जाता है कि हंटर्स और पावर मिलने वाले ह्यूमंस हमेशा एक ही चीज नहीं होते, क्योंकि ह्यूमंस तभी हंटर बनते हैं जब वे लाइसेंस लेते हैं हंटर का और डंजन रेड्स में पार्टिसिपेट ले लेते हैं। फिर वो हंटर्स उन डंजन में से आने वाले मॉन्स्टर का हंट करते हैं। अब सिर्फ हंटर ही इन मैजिक बीस्ट को मार सकते हैं अपनी पावर्स से, और जो भी पोर्टल कहीं भी खुल जाते हैं उसे क्लोज कर सकते हैं। और इसीलिए एक ग्लोबल बिलियन इंडस्ट्री ने एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करनी शुरू कर दी, जो कि अपने अंडर इन जैसे हंटर को रखते हैं। अब इन हंटर्स को एक इंटरनेशनल एस से ई रैंकिंग सिस्टम को रखा गया है, ये जानने के लिए कि ये हंटर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके साथ ई रैंक सबसे वीकेस्ट होता है और एस रैंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और ये सब वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज को पजेस करके रखते हैं। अब यहीं पर हंटर्स की दो जनरल कैटेगरी आती है, कॉम्बैट, नॉन कॉम्बैट और 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हंटर्स, फाइटर्स, मेजेस, असासिन्स, टैंकर्स, रेंजर्स एंड हीलर्स। वैसे अभी तक जो मैंने आपको बताया है ना, वो पावर सिस्टम के बारे में बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ अभी तक हंटर्स के बारे में बताया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि आखिरकार इन हंटर्स को ऐसी कमाल की पावर मिली कैसे। अब देखिए, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले सोलो लेवलिंग के फर्स्ट एपिसोड में जाना होगा, ताकि हम सोलो लेवलिंग की हिस्ट्री जान पाए। उसके बाद ही हम ये जान पाएंगे कि इन हंटर्स को पावर कैसे मिली। तो देखिए, फर्स्ट एपिसोड में हमें डबल डंजन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे स्टैचूज हैं, लेकिन उन स्टैचूज में सबसे फेमस स्टैचू है वो इविल सी स्माइल देने वाला स्टैचू। अब मैं ये बता दूं कि ये इस तरह की सिर्फ इविल सी स्माइल ही दे सकता है, वरना ये कोई हमला नहीं कर सकता, क्योंकि ये एब्सोल्यूट बीग है। जी हाँ, ये स्टैचू जिसका है वो है एब्सोल्यूट बीग। अब यहाँ से आपको मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ, तो आराम से चाय की चुस्की लेते हुए आप इसे सुन सकते हो, आपको जरूर मजा आएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी कहानी को शुरू करते हैं। समय की शुरुआत में जब लाइट और डार्कनेस ही अस्तित्व में था, तब एब्सोल्यूट बीइंग, जिसे आप इस यूनिवर्स का गॉड कह सकते हैं, जिसके पास इनफाइनाइट पावर थी, तो एब्सोल्यूट बीइंग ने डिवाइन हेराल्ड्स को बनाने के लिए लाइट को स्प्लिट किया, जिसे मैं रूलर्स कहूंगा वरना कंफ्यूजन होगी, और मोनार्क्स को बनाने के लिए डार्कनेस को स्प्लिट किया। अब एब्सोल्यूट बीइंग दोनों को कुछ कमांड्स देता है, लेकिन वो कमांड एकदम डिफरेंट थे, जिसमें मोनार्क्स दुनिया को नष्ट करने के लिए पैदा हुए थे और रूलर्स इसकी रक्षा करने के लिए पैदा हुए थे। इसीलिए उन्हें एक दूसरे के साथ विनाशकारी युद्ध में शामिल होने में ज्यादा समय नहीं लगा। कई युगों के अंतहीन युद्ध के बाद जब कोई जीत नजर नहीं आ रही थी, तब एक मोस्ट ब्रिलियंट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट यानी कि एक रूलर ने एब्सोल्यूट विंग से विनती की कि वे इन्हें मोनार्क्स को हमेशा के लिए खत्म करने और इसे ना रुकने वाली लड़ाई को खत्म करने की शक्ति दें, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पावर्स। हालांकि एब्सोल्यूट विंग ने उनके रिक्वेस्ट का आंसर नहीं दिया, और ये वही मोमेंट था जब रूलर्स को ये एहसास हुआ कि मोनार्क्स के साथ युद्ध उनके लिए एकमात्र मनोरंजन का हिस्सा था, और ये कि एब्सोल्यूट विंग नहीं चाहता था कि युद्ध समाप्त हो। अब एब्सोल्यूट विंग के तीन कमांडमेंट्स थे, पहला कि सब लोग एब्सोल्यूट विंग को वर्शिप करें, दूसरा कि सभी लोग एब्सोल्यूट बीइंग को प्रेज करेंगे। अब प्रेज कैसे होगा, तो जो बैटल क्राइसिस होगा उसे एब्सोल्यूट बीइंग को ऑफर करना होगा। और तीसरा कमांडमेंट था कि वो लोग लॉयल रहेंगे एब्सोल्यूट बीइंग के प्रति, अब चाहे वो लॉयल्टी खून की ही क्यों ना हो। अब अगर आप ध्यान दोगे तो कार्थिनन टेंपल में भी काइंड ऑफ यही रूल थे। वैसे इन तीन कमांडमेंट में ये भी लिखा हुआ था कि जो इन तीन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। तो रूलर्स सोचते हैं कि वैसे भी जो लोग इस कमांडमेंट को मान रहे हैं वो भी तो युद्ध में मारे ही जा रहे हैं, तो इसीलिए रूलर्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग एब्सोल्यूट बीइंग को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि जब तक एब्सोल्यूट बीइंग जिंदा रहेगा तब तक युद्ध समाप्त नहीं होने वाला। अब देखिए, 8 रूलर्स थे, तो 8 में से 7 रूलर्स थे उन्होंने अपने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन उनमें से बस एक एशबोर्न ही था जो आखिरी और सबसे मजबूत रूलर था, द ब्राइटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट। ये एक मात्र ऐसा रूलर था
जो वफादार रहा और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उसे आसानी से हरा दिया, उसे मारने की हालत में छोड़ दिया। हालांकि एशबॉर्न अपने आप को शैडो मोनार्क में ट्रांसफॉर्म करके खुद को ठीक कर लेता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर उन्होंने एशबॉर्न को हरा दिया था तो उसने अपने आप को ठीक कैसे कर लिया भाई। तो देखिए, जब एशबॉर्न की मरने वाली हालत हो रही थी तब एक चमत्कार होता है जो कि एब्सोल्यूट बिंग ने उसे एक यूनिक पावर दी, और इस पावर से वो किसी भी मरे हुए सोल्जर को अराइज कहके अपना शैडो आर्मी बना सकता है। अब आप खुद सोच कर देखो कि युद्ध में कितने सारे वीर सोल्जर्स मरे होंगे, तो एशबॉर्न उन सबको अपने शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है और फिर वो जल्दी से एब्सोल्यूट बिंग को बचाने के लिए निकलता है। बट जब तक वो युद्ध के मैदान में वापस आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रूलर ने एब्सोल्यूट बिंग को मार दिया था। अब देखिए, भले ही एब्सोल्यूट बिंग बहुत पावरफुल है, उसके पास इनफाइनाइट एनर्जी है या इनफाइनाइट पावर्स है, बट वो सिर्फ उससे क्रिएट कर सकता है, मतलब उस एनर्जी से वो सिर्फ क्रिएशन कर सकता है, उससे अपने आप को बचा नहीं सकता। तो एब्सोल्यूट बिंग को मारने के बाद ये हेराल्ड्स अपने आप को रूलर्स कहने लग गए, और ये मैं पहले से इसीलिए कह रहा था ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ये रूलर्स एब्सोल्यूट बीइंग को मारने के बाद उसके कुछ पावरफुल टूल को हथिया लिए, जिसकी मदद से वो मोनार्क को हरा सके। इनका सबसे पहला शिकार बना लेगाई, जो कि मोनार्क ऑफ जेनेसिस है, जिसे हम किंग ऑफ द जायंट्स भी कहते हैं, और रूलर ने लेगाई को बंदी बना लिया। अब इस पावर का बैलेंस मोनार्क और रूलर के बीच में से सबसे ज्यादा रूलर्स के पक्ष में आ गया, और इसी मौके का फायदा उठा के मोनार्क ने एशबॉर्न से हाथ मिला लिया, और तभी इन्हें कहा जाने लगा शैडो मोनार्क। अब एशबॉर्न तो एक रूलर ही था, बट अब वो मोनार्क की साइड में था, तो इस वजह से अब रूलर और मोनार्क के बीच पावर का बैलेंस फिर इक्वल हो गया, और फिर युद्ध दोबारा छिड़ गया, और ये जंग सदियों तक चलती रही। मतलब एब्सोल्यूट बीइंग को मार के भी कोई फायदा नहीं हुआ, और वैसे भी ये युद्ध जितना लंबा चलेगा रूलर को उतना ही घाटा होगा, क्योंकि एशबॉर्न तो अपने शैडो आर्मी में सारे मरे हुए रूलर्स को भी शामिल कर सकता है ना, और एक पॉइंट पे रूलर बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, क्योंकि शैडो मोनार्क बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था, इतना ताकतवर कि वो लीजियन ऑफ डूम को भी टक्कर दे सकता था। और ये लीजियन ऑफ डूम एक आर्मी का नाम है जो किंग ऑफ ब्लेज ड्रैगन रूल करता है। अब इस पॉइंट पर रूलर के साथ साथ मोनार्क भी एशबॉर्न से डरने लग गए थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड हो गया था, और इसी डर के कारण दो मोनार्क हाथ मिलाते हैं और वो एशबॉर्न की शैडो आर्मी पर अटैक कर देते हैं, जिससे एशबॉर्न को भारी नुकसान होता है, बट वो दो मोनार्क उसे नहीं हरा पाते, और एशबॉर्न उन्हें इस विश्वासघात के लिए बहुत पीटता है। वैसे इन दो मोनार्क में से सबसे पहले का नाम था फैंग मोनार्क और दूसरे का नाम था डीमन किंग बारान। अब फैंग मोनार्क जो था वो अपनी मोनार्क की आर्मी को छोड़कर भाग जाता है, बट बारान को सजा भुगतनी पड़ती है और उसे शैडो मोनार्क मार देता है। अब इसके बाद शांति का प्रस्ताव लेकर रूलर एशबॉर्न के पास जाते हैं, और एशबॉर्न उसके मालिक को मारने के लिए माफ नहीं करता, और उसके बाद एशबॉर्न अंडरग्राउंड हो जाता है ताकि वो अपनी आर्मी को रीबिल्ड कर सके और साथ में फैंग मोनार्क से बदला ले सके। बट तब तक रूलर काफी सारे मोनार्क को खत्म कर चुके थे, और फिर आधे मोनार्क डायमेंशनल रिफ्ट में छुप जाते हैं, और वहां पर शैडो मोनार्क यानी एशबॉर्न पहुंच जाता है। अब शैडो मोनार्क के आने से उनका ड्रैगन एम्परर वेलकम करता है, और वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि मोनार्क वैसे भी वीक हो गए थे, अभी इससे लड़ेंगे तो उनका ही घाटा होगा, तो वो तो फिर से एशबॉर्न से हाथ मिलाने की सोचते हैं, क्योंकि अभी वो बहुत पावरफुल है, और इसीलिए मोनार्क सबसे छिपकर अपनी आर्मी को दोबारा बिल्ड करने लगे, और ऐसा करने के लिए उन्हें एक न्यू वर्ल्ड चाहिए था, और वो दुनिया थी हमारी धरती माता। और रूलर को जब तक ये पता लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मोनार्क ने सभी इंसानों को खत्म कर दिया था। अब आप फिर ये सोचेंगे कि अभी सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में सभी इंसान जिंदा कैसे हैं? तो आपको इसके बारे में अगर पता करना है तो इंतजार करना होगा। अब देखिए, रूलर इस गलती को सुधारने के लिए एक बहुत ही दिव्य यंत्र का उपयोग करते हैं। इसका नाम था द चालीस ऑफ रीबर्थ, जो कि टाइम को 10 साल पीछे ले जा सकता था, क्योंकि अगर हम 10 साल पीछे जाएं तब तो ह्यूमन अलाइव थे वैसे भी, और बस द 40 ऑफ रिवर्थ का रूलर के द्वारा इस्तेमाल करने पर अर्थ 10 साल पीछे चले जाती है, और इसके बाद रूलर और मोनार्क अर्थ पर वापस से भिड़ जाते हैं, बट उनके लड़ाई के चक्कर में अर्थ वापस से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ये सिलसिला चलते रहता है। तो रूलर फैसला करते हैं कि भले ही वो पूरी ह्यूमैनिटी को नहीं बचा सकते, बट वो कम से कम कुछ ह्यूमंस को तो बचा ही दे, जिससे हमारा सिविलाइजेशन खत्म नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ ह्यूमंस बच गए तो वैसे भी उससे सोसाइटी डेवलप हो ही जाएगी,
अगर लड़ाई में रूलर जीत जाते हैं तो। और यही से शुरू होता है अवेकनिंग वाला खेल जिसमें ह्यूमंस को पावर मिलने लगी, और यही से शुरू होता है अवेकनिंग का खेल जिसमें ह्यूमन को भी पावर मिलने लगती है और वो हंटर बनते हैं। अब देखिए, जब भी द चालीस ऑफ रिबर्थ का इस्तेमाल होता है तो रूलर और मोनार्क का भी इन पर असर होता है, लेकिन वो कुछ भूलते नहीं है। और इसके आगे क्या होता है वैसे भी मैं चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन आई होप फिलहाल के लिए आपको सोलो लेवलिंग का पावर सिस्टम समझ में आ गया होगा। और ये भी कि हंटर को पावर अचानक से कैसे मिलने लगी, मैं संग जिनवू के पावर के बारे में भी डिस्कस करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने से जो मैं मामला एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो स्पॉइल हो जाएगा, तो वो तो मैं नहीं करूँगा। बाकी अगर आपके कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।